फ्रेंड्स, मेरे टेलीग्राम चैनल पर एक कमेंट किया था किसी ने कि उनको जो सेमरश टूल है वो फ्री में लाइफ टाइम कैसे वो यूज कर सकते हैं, जो सेमरश प्रो वर्जन है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि कोई भी कंपनी जो पेड होती है वो आपको कभी भी फ्री वर्जन अपना यूज करने के लिए नहीं देगी, वो आपको यही कहेगी कि आप उनको पे करो। लेकिन फ्री में अगर आपको यूज करना है तो उसका एक जुगाड़ होता है जो आपको करना पड़ेगा। ऐसे कभी भी आप किसी भी प्रीमियम टूल को यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सेमरश के कुछ फीचर्स बता देती हूँ कि सेमरश पे आप क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है, मतलब सेमरश पे आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं और क्या क्या उस पर कीवर्ड डिफिकल्टी रहती है। तो सबसे पहले आपको जाना है सेमरश, गूगल पे आपको टाइप करना है सेमरश फ्री ट्रायल। यहाँ पे आपको सेमरश फ्री ट्रायल का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ट्राई फॉर फ्री का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है और यहाँ पे 7 डेज फ्री ये गुरु है, इसका जो पेमेंट है वो अलग है। और इसमें मतलब फीचर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो ये लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं, इतने पेमेंट में 129.95 पर मंथ, और इस वाले पेमेंट में ये लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी मैं पहले आपको फीचर समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको लाइफ टाइम के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ट्रायल को स्किप कर रही हूँ, उसके बाद मैं पहले आपको समझा देती हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा कीवर्ड ओवरव्यू में। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो हम कुछ कीवर्ड जो यूएसए के मैंने आपको कुछ निचेस बताए थे कि आप उनको क्या उनके ऊपर कैसे काम कर सकते हो, जो अभी पॉपुलर है, ट्रेंडिंग है और हमेशा ट्रेंड में रहेंगे, उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे एक कीवर्ड डालती हूँ डॉग हेल्थ के लिए। तो मैंने ये डाला और यहाँ पे यूएसए ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे एक नया फीचर लॉन्च किया है सेमरश वालों ने, यहाँ पे सिलेक्ट लोकेशन का भी ऑप्शन आता है। आप यहाँ से यूएस के अंदर जितने भी लोकेशंस अवेलेबल होंगे उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे कुछ नहीं कर रही और सीधा सर्च पे क्लिक कर रही हूँ। डॉग हेल्थ डालकर सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे यहाँ पे इसका जो यूएसए में वॉल्यूम है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो ग्लोबल वॉल्यूम है वो कितना है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। कीवर्ड डिफिकल्टी आपको यहाँ पे शो कर रहा है और इसका जो सीपीसी है आप यहाँ पे सीपीसी चेक कर सकते हैं। इसका सीपीसी $4 या इससे ज्यादा का ही होगा। इसके बाद हम नीचे आते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो कीवर्ड वेरिएशंस होती हैं वो हमें देखना पड़ता है यहाँ पर। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कीवर्ड वेरिएशंस है, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस है, इन मतलब जो भी मैंने अभी डॉग हेल्थ यहाँ पर जो कीवर्ड डाला है उससे रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे आपको। के बाद आप जैसे यहाँ पे कीवर्ड वेरिएशंस है तो कीवर्ड वेरिएशंस को चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल जो कीवर्ड है वो 13,168 के आसपास है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम पूछ रहा है, आपको कितने सर्च वॉल्यूम तक का कीवर्ड आपको यहाँ पे चाहिए। फिर यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी पूछ रहा है आपको, कितना कीवर्ड डिफिकल्टी आपको यहाँ पे चाहिए वो सेट कर सकते हैं आप। इंटेंट है यहाँ पे इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल, ट्रांजेशनल, आपको ये सारी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सीपीसी पूछ रहा है आपको कितने रेंज की चाहिए, कितने रेंज वाली सीपीसी की आपको कीवर्ड चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा ये इंक्लूड कीवर्ड्स, कौन से कीवर्ड उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, एक्सक्लूड कीवर्ड्स, उसके बाद यहाँ पे एडवांस फिल्टर जो भी हैं आप इस ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ड काउंट, कॉम्पिटिटिव डेंसिटी, सर्प वगैरह ये सब यहाँ पे आपको दिखेगा। ये सारे फीचर्स यहाँ पे है जो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फूड ऑप्शंस हैं, अगर आपने यहाँ पे फूड सेलेक्ट किया तो डॉग फूड रिलेटेड आपको यहाँ पे कीवर्ड और उससे रिलेटेड डिफिकल्टीज या सारी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगी। लास्ट अपडेट दिख रहा है, रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखेंगी। इसके अलावा आप ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, बेनिफिट्स हैं, उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस आ गया, आप उनके यहाँ पे और भी चीजें यहाँ पे शो मोर कर रहा है, आप ये सब चीजें भी चेक करके कीवर्ड का देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी आप देख सकते हैं सबका बहुत ज्यादा है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से जो हम ऑप्शंस पढ़ रहे थे इसके अंदर हमें यहाँ पे केडी पे जाना है और वेरी इजी या फिर इजी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इजी सिलेक्ट कर रही हूँ और इजी जैसे ही हमने सेलेक्ट किया उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको 29 से नीचे नीचे की जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे ग्रीन में शो होने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे हेल्थ इंस्टीट्यूशन, वेट, डॉग फूड, ये सारी की सारी यहाँ पे कैटेगरीज भी आ गए। आप इन सब कैटेगरीज के अंदर जा जा करके अगर आप यहाँ पे पहले देख लीजिए, इसको आप देखेंगे, इन सब को चेक कीजिए, यहाँ पे आपको केडी दिख जाएगा, आपको सीपीसी भी है यहाँ पे साथ में लिखी हुई, इसका 1.94 है, 2.14 है, 2.17 है, 4.61 है यहाँ पे, फिर ये सारे के सारे आपको यहाँ पे सीपीसी दिख रही है इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर। और इनका जो सर्चेस है वो आपको दिख रहा है कि इनके सर्चेस कब कब हुए हैं। इसके अलावा अगर आप ये फूड में जाते हैं आपको फूड से रिलेटेड यहाँ पे दिख जाएगा,
ये देखिए आपको फूड का कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पर दिखेगा, ये ब्रेड ऑप्शन है, आप इसमें जाएंगे तो इससे भी आपको सारे के सारे 29 से नीचे की ही कीवर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसका जो भी है यहाँ पे इसका न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन बेस्ड आपको कीवर्ड यहाँ पे मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप इन सब का यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर। और इस तरीके से आप सेमरश का यूज कर सकते हैं। ये एक दिन में आपको अगर आप फ्री में यूज कर रहे हैं तो एक से दो बार ही लॉगिन करने का आपको ऑप्शन देता है, लेकिन ये क्या है कि जो लोग नए हैं, जो फ्रेश हैं, जो किसी के लिंक से नहीं आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है ये फ्री ट्राई फॉर फ्री ऑप्शन। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो इसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन आता है यहाँ पे गेट फ्री ट्रायल का, जो आपको 7 डेज के लिए मिलता है। आप यहाँ पे जाके इस पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक डेबिट कार्ड डालने का ऑप्शन आता है जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अवेलेबल हो, मतलब जिसमें आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, वो फैसिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप इसको आगे फॉलो मतलब आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे पास जो डेबिट कार्ड है वो उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कार्ड नंबर नहीं डाल सकती हूँ। तो सबसे पहले अगर आपके पास कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो आप उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को एनेबल करवाइए और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दीजिए। जब आप इसे फिल करेंगे तो ट्राई इट नाउ पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद आप कुछ डिटेल्स और मांगेंगे, वो डिटेल्स आपको फिल करनी है उसके अंदर। और जब आप पेमेंट पे जाएंगे तो वहां पे आपको नीचे लिखा होगा 0 पेमेंट, या फिर इसके अलावा हो सकता है वो $1 या $2 चार्ज करें, लेकिन वो आपको रिफंडेबल होता है, वो जस्ट आपका एक अकाउंट कंफर्मेशन लेते हैं कि आपने जो अकाउंट दिया है, जो डिटेल दी है, वो सही है या नहीं है। जब वो चेक हो जाता है उनका तो वो आपको पैसे रिफंड कर देते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऐसे कई चीजें कर चुकी हूँ। जैसे मैंने एक बार फ्री में वो लिया था, डोमेन लिया था, तो उन्होंने भी मुझे $2 चार्ज किया, लेकिन मुझे वापस उन्होंने दे दिया था, क्योंकि वो बस उनका ट्रायल होता है कि जैसे ही उनका 1 ईयर का था, वो 1 ईयर प्लान पूरा होता है तो ऑटोमेटिक पैसे डिडक्ट कर लेते हैं। तो इसमें भी सेम केस है, जैसे ये 7 डेज का फ्री ट्रायल आपको दिया हुआ है, तो 7 डेज का है आपको, तो आपको सिर्फ 5 दिन यूज करना, और जो आपके दो चार चार दिन या 5 दिन आप उसको यूज करो, और जो 2-3 दिन बचेंगे आपको उसमें जाके आपको क्या करना है, कैंसिल करना होता है। तो जब आप अपने सेमरश की अकाउंट में जाते हैं, इसको मैं बैक करती हूँ फिलहाल और यहाँ पे वापस स्किप ट्रायल पे जाती हूँ। तो जब आप अपने अकाउंट में वापस आ जाते हैं तो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इन्फो दिखेगा, यहाँ पे आपको जाना है, और यहीं ऊपर में आपको एक ऑप्शन आता है रिक्वायरिंग का, वहां पे आप देखेंगे एक्टिव स्टेटस दिखाएगा, उस स्टेटस को आपको जाके डिसेबल करना होता है, और 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं वहां पे, वो सारे सारे क्वेश्चन को आपको आंसर देना है, और फिर अनसब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है, आपका ये जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता देती हूँ कि सबसे पहले जब आप ये फ्री ट्रायल के लिए जब आप पैसे देंगे यहाँ पर, तो आपको अपना खुद का कार्ड यूज करना है जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अवेलेबल हो, और आपको 7 डेज का ट्रायल मिलेगा। आपको 7 डेज के ट्रायल से पहले ही आपको वो जो है अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है, नहीं तो वो आपके पैसे कट कर लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे आपको पेमेंट में जाएंगे, आपको तो पेमेंट दिखाएगा कितना पैसे कट करते हैं वो, शायद $129 के आसपास ये पैसे, $130 के आसपास आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको 7 डेज पूरे होने से पहले, यानी कि 4 या 5 दिन आपके पूरे होते हैं, आप 4 दिन पूरे होते ही इसको डीएक्टिवेट करने के लिए डाल दीजिए, ये आपका अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ये हो जाएगा अनसब्सक्राइब। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने इसको अनसब्सक्राइब कर दिया, उसके बाद आपको फ्री में कैसे यूज करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ये एक जुपिटर मनी करके एक यहाँ पर एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्री में आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन देते हैं ये, आपको यहाँ पे फ्री में सेविंग अकाउंट ओपन करना है। इसके लिए आपको इसका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप इसका ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे उसके पूरे स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। यहाँ पे आपको जो है अकाउंट ओपन हो जाएगा, और आप अकाउंट ओपन होने के बाद वो क्या करते हैं, एक डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड कराते हैं जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल होती है। आप ये समझ लीजिए कि ये जो अकाउंट है, जो जुपिटर का अकाउंट है, यहाँ पे ये लोग आपको एक डेबिट कार्ड तो देंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए हो, यानी कि वो आपके हैंड में नहीं होगा, आप उसे छू नहीं सकते, आप उसका यूज नहीं कर सकते ऐसे ही। लेकिन जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने सेमरश के लिए बताया, तो ऐसे ही आप मोज पेड होती है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ कुछ लोग वीपीएन यूज करते हैं, तो वीपीएन के लिए भी जब आप पेमेंट करने जाते हैं, आपको फ्री में जैसे
एक अवास्ट का वीपीएन है वो फ्री नहीं मिलता पर बहुत अच्छा होता है, तो उस जगह पे भी आप इस वाले इसमें जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उसका यूज कर सकते हैं। और एक और चीज होती है कि आप इसके अंदर अगर आपको लगता है कि आपका 1 महीने बाद आप अगर वो जो आपका डेबिट कार्ड है वो काम करना बंद कर दिया है या वो यूज कर नहीं रहा, तो आप इसको कैंसिल करके एक नया जो डेबिट कार्ड है वो इश्यू करा सकते हैं। यानी कि हर महीने आप एक न्यू डेबिट कार्ड इशू करा सकते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन डेबिट कार्ड जो रहेगा आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के साथ, तो आप वो वाला डेबिट कार्ड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले वही कीजिए, अपना ये जो डाउनलोड है इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फोन में जुपिटर ऐप को। उसके बाद आप वहाँ पे अकाउंट ओपन कीजिए, अपनी सारी डिटेल डालिए और फिर एक आपका जो डेबिट कार्ड है वो आपको मिल जाएगा और ये अकाउंट आपके पास रहेगा। बहुत सारे लोग इस अकाउंट को यूज करते हैं, इसमें अपने पैसे मंगवाते हैं और बाद में यहाँ से अपने जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऑनलाइन जैसे फ्रीलेंसिंग हो गया या बहुत सारे ऐसे साइट्स जहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, और अर्निंग करने के साथ साथ वो अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो पर्सनल डेटा होता है, जो बैंक डिटेल्स होती है, वो प्रोवाइड ना करा के इस जुपिटर वाली साइट से प्रोवाइड करे गए जो भी इनके बैंक डिटेल्स होती है उनको प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे पैसे आता है और उस पैसे को वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो लोग इसको यूज कर रहे हैं, आप भी यूज कर सकते हैं, एक बार आप ट्राई कीजिए। मैंने एक्चुअली अभी तक इसको यूज नहीं किया है, बस मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाली है क्योंकि जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था उनको ये फ्री में यूज करने के लिए कुछ तो चाहिए था, सेमरश टूल को कैसे यूज कर सकते हैं वो फ्री में लाइफ टाइम, तो मैंने ये तरीका बताया है। ये एक्चुअली में वर्क करता है और मैंने भी एक दो बार यूज किया है जब मैंने ऑनलाइन रेंडमली एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल उठा करके मैंने जो अवास्ट वीपीएन है उसका यूज किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यूज नहीं कर पाएंगे, आप यूज कर पाएंगे, आप डेफिनेटली यूज कर पाएंगे। आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए और इसके बावजूद अगर कोई आपको लगता है कि क्वेश्चंस रह रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन आपको लगता है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं हूँ अवेलेबल, वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो। लेकिन जो भी चीजें मैंने आपको बताई है प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हर चीज को सुना कीजिए और उसको फिर फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि बाद में आप किसी को ब्लेम करो कि आपने ये नहीं बताया था वो नहीं बताया था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, मैं उनको अवॉइड करती हूँ क्योंकि मैं मुझे लगता है कि हाँ बहुत सारे जिनको अभी जो जेन्युइनली परेशान है मैं सिर्फ उन्हीं को आंसर करती हूँ, जो फालतू फंड के सवाल करते हैं या क्वेश्चंस करते हैं मैं उनका आंसर नहीं दे सकती और ना मैं दूंगी कभी भी। तो आप कभी भी कुछ भी करने से पहले पहले जो भी चीज़ कही जाती है चाहे मैं बोलूँ या कोई और यूट्यूबर आपको कुछ भी बताता है, प्लीज़ प्रॉपर बात अच्छे से सुन लीजिए किसी का भी, उसके बाद ही आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो, कि हर एक यूट्यूबर आपको बोलता है कि आप उनको कमेंट करें क्वेश्चन करने के लिए, तो आप मैं भी बोलती हूँ और मैं डेफिनेटली मुझे जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। कुछ दिनों से मेरे पास कमेंट नहीं आ रहे थे, मुझे नहीं पता क्या इशू हुआ था, तो मेरे पास कमेंट शो ही नहीं हो रहे थे, फिर मैंने जाके यूट्यूब के अंदर एनालिटिक्स में जाके मैंने वहाँ पे सारे कमेंट्स को आंसर किया है। तो मुझे जब भी मौका मिलता है मैं सारे कमेंट्स को आंसर करती हूँ, और यहाँ तक कि मेरे पास टेलीग्राम चैनल भरा पड़ा है मेरा, बहुत सारे लोग वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं और मैं सबको आंसर करती हूँ पूरे दिन के अंदर, बहुत सारे लोगों को आंसर करती हूँ। साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी लोग हैं, थोड़े बहुत ही हैं पर मैं उनको भी आंसर करती हूँ। तो जिसने भी मेरे से पूछा था, अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उनको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पर पूरी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से समझ लीजिए सारी चीज़ें मैंने क्या बोला है, उसके बाद ही आप उसको अगर आप कर सकते हैं, आप ट्रस्ट करते हैं तो कीजिए, अदरवाइज मत कीजिएगा। लेकिन मैंने जो बताया है वो आपको डेफिनेटली फायदा करेगा। इसमें 7 डेज है, 7 डेज से पहले पहले आप उसको क्या कीजिए, डीएक्टिवेट कर दीजिए। 4 दिन 5 दिन होता है तो आप उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए, उसके बाद फिर जो मैंने जुपिटर अकाउंट बताया है यहाँ से आप अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कीजिए और वहाँ पे अवेलेबल जो डेबिट कार्ड होगा उसको इसमें डालिए और हर महीने आप उसको यूज कीजिए। और जब भी टाइम पूरा होता है, जैसे आपको 30 दिन का ट्रायल मिला, 30 दिन के ट्रायल से पहले पहले आप उसको जैसे 27 दिन 28 दिन में उसको डीएक्टिवेट कर दीजिएगा, तब आपको फायदा मिलेगा और आप इसे लाइफ टाइम ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। लेकिन मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको ये चीजें पूरी अच्छे से डिटेल में समझा दूं, क्योंकि मैं खुद अभी इसे यूज नहीं कर रही हूँ तो मैं आपको एकदम लाइव करके नहीं दिखा सकती। लेकिन जैसे ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो डेबिट कार्ड है वो इंटरनेशनल हो जाए, तो जैसे ही होता है तो मैं आपके लिए वो भी लेके आ जाऊंगी कि आप
पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने जो बताया है वो आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपके पास आती रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।